परवेज इलाही ने यकीन दिलाया है जब इमरान खान कहेंगे असेंबली तोड़ देंगे। पीटीआई और काफ लीग इत्तेहादी हैं और रहेंगे, हर मामले में करीबी मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। फवाद चौधरी की लाहौर जमान पाक में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आम इंतखाबात पर हुकूमत के साथ गैर रस्मी राबते हो रहे हैं, चाहते हैं इदारों के साथ तलखियाँ कम हों। इलेक्शन में जाने के कुछ इशारे मिल रहे हैं, अस्करी क्यादत की तब्दीली से आने वाले दिनों में मुस्बत असरात होंगे। परवेज इलाही ने सभी इब्राहिम को बड़ी खबर दे दी। प्रोग्राम तज्जिया में वजीर आला पंजाब ने कहा, हम कह रहे हैं आए और बैठे बात करें, अब बिठाने वाले आ गए, हालात काफी तब्दील हो गए। इमरान खान जिस वक्त कहेंगे असम्बलियां तोड़ देंगे। शरीफों और पीडीएम को थरथराहट आ रही है। असेंबलियों की तहलील और आम इंतखाबात की तैयारियां, जमान पाक सियासी सरगर्मियों का मरकज, इमरान खान इन एक्शन, बैरिस्टर अली जफर की आईनी और कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग। लाहौर की अराकीन असेंबली कप्तान ने टिकट होल्डर्स और ओहदेदारान को तलब कर लिया। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले अराकीन जमान पाक पहुंच गए, हमाद अजहर, शफकत महमूद, मुराद राज समेत अहम रहनुमा शामिल। असेंबलियां तहलील, पीडीएम में हलचल, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान का राबता, तब्दील होती सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असेंबलियां तहलील या कबल अज वक्त इंतखाबात, तीनों रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। इलेक्शन कमीशन का शोकाज गैर कानूनी और गैर आइनी है, तोहीन इलेक्शन कमीशन केस में असद उमर ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया गया, कहा आर्टिकल 204 आला अदलिया को तोहीन अदालत का इख्तियार देता है। शोकाज नोटिस के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। मंगला में पन बिजली की तकरीब, खिताब में मीरपुर मुतासरीन और कश्मीरियों की कुर्बानी का जिक्र नहीं किया गया। तकरीब के शुरका नाराज, वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास के एतराज पर शहबाज शरीफ बरहम, वजीर आजम के गार्ड्स की वजीर आजम आजाद कश्मीर से बदसुलूकी। इमरान खान ने अपने परिस्तार से किया वादा पूरा कर दिया, हसन खान कहवे वाले को चलने के लिए टांग का मस्नूई ब्रैकेट मिल गया। इमरान खान ने बोल न्यूज पर खबर नशर होने पर मुलाकात की, हसन खान का इमरान खान और बोल न्यूज का शुक्रिया। हसन इमरान खान की मोहब्बत में जमान पार्क के बाहर मुफ्त कहवा देता था। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का अहसन इकदाम, कच्ची आबादियों के मकीनों को मालिक मकान बना दिया। 10 मरले तक की जमीन पर रिहायश पजीर अफराद को मालिकाना हकूक दे दिए। ट्यूबवेल लगाने, बिजली और गैस के कनेक्शन की इजाजत भी मिल गई। 10 एकड़ से कम जमीन के मालिक किसान को मुफ्त सोलर पंप देने का ऐलान कर दिया। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर वन पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।